जीते जी जिस बेटे ने अपने पिता का सारा गर्त कर दिया, आपको लगता है वो किसी और का सम्मान रखेगा? सब राज परिवार से आने वाले राजकुमार हैं। इन लोगों ने जमीन पर कभी कुछ देखा तो है नहीं और कभी कुछ किया तो है नहीं, तो जनता इनको बताएगी कि वो क्या दे रहे हैं और कैसा दे रहे हैं। गठबंधन में किसका कलेजा कितना बड़ा है ये तो देखने की बात है, लेकिन जो बेटा अपने पिता को सम्मान नहीं दे पाया वो दूसरे दलों को सीट क्या देगा? जी हाँ, ये कहना है बलिया के बासडीह विधानसभा से विधायक केतकी सिंह का, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर बरस रही हैं और उनके बयान पर सवालों की बौछार कर रही हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि सपा गठबंधन में सीटें बांट नहीं रही बल्कि दे रही। इसी बयान पर केतकी सिंह से सवाल पूछा गया, जिसके बाद केतकी सिंह अखिलेश यादव पर जमकर बरसती हुई नजर आई और बात पिता और चाचा तक पहुँच गई। अब किसका कलेजा कितना बड़ा है ये तो देखने, जो बेटा अपने पिता को सम्मान नहीं दे पाया वह दूसरे दल को सीटें देने की आप बात कर रहे हैं। जो अपने चाचा को जिस भतीजे ने सम्मान नहीं दिया, घर से बाहर निकाल दिया और क्या नहीं किया, तो हमारे यहाँ तो मरे हुए पितरों को हम लोग जल देते हैं और जीते जी जिस बेटे ने अपने पिता का सारा गर्त कर दिया, आपको लगता है वो किसी और का सम्मान रखेगा? यह सब जनता जानती है। वहीं केतकी सिंह यही नहीं रुकी, उनके लपेटे में इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल भी आए। इसमें सबसे आगे रही कांग्रेस, जिस पर हमला बोलते हुए केतकी सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है और जनता के प्रति उसका विश्वास समाप्त हो चुका है। देखिए, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ही कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास खत्म हो चुका है और एक डूबते हुए तिनके का सहारा कहते हैं बहुत है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सपा को वह डूबता हुआ तिनका मान रही है जिससे कि वह बच के निकल सके, परंतु मुझे देख के बहुत अफसोस होता है कि जो अपने आप को इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बोलती है और यह भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष अपने आप को खड़ा करती है, उसके पास इतना भी क्या जनता का विश्वास नहीं बचा कि वह अकेले चुनाव लड़ सके और वे किस मुंह से जनता के बीच में आएंगे। वहीं इसके बाद गठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा करते हुए केतकी सिंह ने कहा कि गठबंधन में ये सब एक साथ मिलकर कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, ये जो INDI नाम का एक गठबंधन बना है, ये सारे उन तमाम लोगों का गठबंधन है जिन्हें सिर्फ एक बात की लालसा है कि किस तरह हम शासन सत्ता पालें, सत्ता के अधिकारी बन जाएं, प्रजा के राजा के रूप में अपने आप को स्थापित करने वालों का यह गठबंधन है। और अखिलेश यादव जी जिस तरह कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैंने आपको कहा ना कि ये सब राज परिवार से आने वाले राजकुमार हैं। इन लोगों ने जमीन पर कभी कुछ देखा तो है नहीं और कभी कुछ किया तो है नहीं, तो जनता इनको बताएगी कि वो क्या दे रहे हैं और कैसा दे रहे हैं। चुनाव आने दीजिए, देखा जाएगा। केतकी सिंह ने अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। देखने वाली बात ये होगी कि विपक्षी गठबंधन के नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।